उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में इस माह परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे डग्गामार बसों के विरोध सघन चेकिंग अभियान में इस माह में आज सबसे बड़ी कार्यवाही की गई। आज सुबह से ही आरटीओ प्रवर्धन महेश कुमार शर्मा द्वारा दो टीमें गठित की गई। एक टीम का नेतृत्व स्वयं महेश कुमार शर्मा आरटीओ प्रवर्धन ने किया तथा दूसरी टीम का नेतृत्व मनोज गुप्ता पीटीओ के द्वारा किया गया। परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान में आज अब तक 15 बसें सीज या चालान की गईं तथा माह में अब तक की अवैध बसों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए संख्या 55 से अधिक हो गई। ये कार्रवाई रात में भी जारी रहेगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर अवैध बसों का संचालन किसी भी कीमत पर अब नहीं होने दिया जाएगा। ये अभियान नेशनल हाईवे 9 पर पिलखुआ से लेकर गढ़मुक्तेश्वर के बीच एवं गढ़मुक्तेश्वर से लेकर किठोर मार्ग पर किया गया। इनमें टीपी नगर चौकी थाना हापुड़ में निरोध किए गए एवं कुछ वाहन गढ़मुक्तेश्वर थाने में निरोध किए गए। इस प्रकार की कार्यवाही से बस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही आरटीओ पर अनावश्यक दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। बंद ही कर दिया। क्यों बंद करा है? पता नहीं। परमिट है आपके पास? परमिट सब सब्जी दिए। कहां से कहां तक गाड़ी चलाते हैं? बरेली सारी है, आनंद विहार। परमिट आपका आनंद विहार का है? पता नहीं। परमिट तो बड़े भाई को बताओ। डग्गा मारी करते हैं क्या बरेली से? हाँ। तो ये बस आपकी डग्गा मारी में चल रही थी? जी। कब से चल रही थी? काफी टाइम से। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री जी एवं अपने परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इस माह में डग्गेमार बसों के खिलाफ बड़ा सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आज के दिन की सबसे बड़ी कार्रवाई रही कि हमने 15 बसों के विरुद्ध जो है सीजर चालान की कार्रवाई की। और जो नेशनल हाईवे है, हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी का कहना है कि डग्गेमार वाहन इस पर किसी भी प्रकार चलने ना पाए, उनके इसी आदेश का पालन करने के लिए हम लोग डग्गेमार वाहन मुक्त जो है नेशनल हाईवे बनाएंगे। ये शेर मार्का की एक बस चल रही है, इसकी कितनी बसें चली और इनका कितनी बसों पर कार्रवाई की जा चुकी है? कुल कितनी बसें चल रही हैं ये बताना तो मेरे स्तर से संभव नहीं है, लेकिन इसकी अभी हमने बहुत जल्दी में 6 से 7 बसें जो है हमने इनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की है। इस माह कितनी बसें आपने डग्गा मार के बस की बंद की? अभी तक हम 55 बसों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुके हैं जो केवल अनाधिकृत संचालन में बसों के विरुद्ध की गई है। अच्छा, कुछ ऐसी बसें भी प्राइवेट चल रही है जिन पे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिख के चला जा रहा है, क्या वो डग्गा मार बसें हैं या परिवहन विभाग से अनुबंधित हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिखकर के जो बसें चल रही हैं उसके नीचे लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग से अनुबंधित, तो जो अनुबंधित लिख के चल रही हैं वो कोई भी गाड़ी डग्गामार नहीं है। वो नियम से अपना फिटनेस कराती हैं, टैक्स देती हैं, परमिट लेते हैं हमारे यहाँ से और रोडवेज के निर्देश पर संचालन करते हैं। साथ ही कुछ बसों में ईद पर्व के नजदीक आते ही डग्गामार बसों से बकरों को ले जाया जा रहा था, जिन पर भी परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाईवे पर अवैध रूप से चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यूपी के जनपद हापुड़ के परिवहन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 अवैध रूप से चल रही बसों को सीज किया गया है। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह अवैध रूप से चल रही किसी भी वाहन को सड़क पर संचालन नहीं होने दिया जाएगा। तुषार शर्मा के साथ नदीम नकवी, Time 24 न्यूज, हापुड़। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।